आ गया महाराज, मैं तारा बचा मैं सरदार सर ले आके डालडा थोड़ी मिला दू, तारा पास ले ली। फिर बाबा जी कह मैं राजा तेरे संतान तो जहा दी, लेकिन जगह दिन भी कि शादी कर दोगा भी के बाद में जीवे की बार आई बस। तो प्रेमियों राजा पद्म सेन के गोपी चंद जन्म है और गोपी चंद 18 साल को गया, जगह दिन रानी कृष्णावती के सागे गोपी चंद की शादी कर दी। थोड़े दिन बाद में राजा पद्म सेन जी खत्म हो जाएंगे, गोपी चंद के और राज तिलक करके और धोड़ेगढ़ नगरी को राजा बना दे। 18, 12, 30 साल में 3 दिन बाकी है, जके दिन गोपी चंद महल के माई ना हो। गोपी चंद श्याम शकल को कलर को नाक नक्श को बड़ो सुंदर, और गोपी चंद के तन पर दियड़ी भगवान की 4 शनानी, पांव में पदम, माथा पे मणि और कमर पे कटार और तरकश। तो गोपी चंद को शरीर देख की और गोपी चंद की मां मैणावती के आंख में आंसू आ जाए। गोपी चंद कहने लगे, ये मां अपने राज में कोई चीज की कमी को नहीं, फिर भी तेरे आंख में आंसू। मां मैणावती कहने लगे, देख बेटा रूप तेरे से भी सुंदर तेरे बाप राजा पद्म सेन को, लेकिन एक दिन मौत काल बिन दिखा को। गोपी चंद कहने लगे, मां मन के करना चाहिए। बोले बेटा तुम जोग लेनो चाहिए। गोपी चंद कहने लगे, मैं तैयार हूं। तो मां मैणावती गोपी चंद ने आपके साथ ले जाए और एक जलेंद्र नाथ जी नाम का बाबू जी है के कन्ने ले जाए, पाको चेलो बना दे, भगवान कपड़ा पहरा दे और कान फड़वा दे। कई दिन हो जाए कान फाड़िया, तो एक दिन गुरु जलेंद्र नाथ जी ने गोपी चंद कहना, गुरु जी मेरा कान फाड़िया ने कता दिन होगा, काना को दर्द जाए क्या कोई। गुरु जी कहना कि बेटा गोपी चंद जद ताणी तू तेरी मां करू, तेरी राणी करू, तेरी भाण करू और मां कह की भिक्षा नहीं लाऊंगा, जठे ता काना को दर्द जाए। तो प्रेमी गोपी चंद पहल छोट भिक्षा लाने वास्ते आपकी रानी कृष्णावती के महल में जाके और अलग की आवाज सुने है और बताई है।